भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले कुछ वर्षों से मिश्रित खेती पर काफी जोर दिया जा रहा है। मिश्रित खेती को खुशियों की खेती भी कहा जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान अटारी कानपुर के अधीन कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र जौनपुर द्वारा यहां के चुनिंदा किसानों को मिश्रित खेती पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें सब्जियों की खेती, बागवानी, कंपोस्ट खाद तैयार करवाना शामिल है। इन्हीं किसानों में से एक हैं रामजीत मौर्य, जो जौनपुर के मझौली गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से शीघ्र ही आदर्श बागवानी पौधशाला की स्थापना कर अपनी सफलता की गाथा लिख डाली। इन्होंने अपने बलबूते पर पारंपरिक खेती के साथ साथ विभिन्न सब्जियों की खेती, जैसे मटर, गोभी, बैंगन, प्याज, लहसुन आदि, तथा बागवानी में आम, अमरूद और लीची की पौध तथा फूलों में गेंदे की खेती शुरू की। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इन्होंने कुछ मवेशी भी पाल रखे हैं, जिनके गोबर से गोबर खाद का निर्माण कर अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। इससे जैविक सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। बाजार में इन्हें अपनी सब्जियों का अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही इन्होंने सहयोगी व्यवसाय के रूप में एक राइस मिल का गठन भी कर रखा है। समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र जौनपुर द्वारा इनके यहाँ के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है और तकनीकी सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान कर किसान द्वारा किए जा रहे कार्यों में मदद प्रदान की जाती है। पहले धान गेहूं की खेती में करता था और खेती में इनकम नहीं हुई। उसके बाद मैं कृषि विज्ञान केंद्र जौनपुर से गया, वहाँ से प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण में मैं मिश्रित खेती शुरू किए और सब्जी और बागवानी को। उसके बाद मैं पौधशाला और डेयरी उत्पादन किया और उसी के बीच में हमारा तेल और घानी राइस मिल चलता है और इसी में पौधशाला शुरू किया और मुझे एक साल में 8 से 10 लाख रुपए तक इनकम हुआ। इस समय मैं बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं और हमें बहुत खुश हूं। आज रामजीत मौर्य जी अपनी इस आदर्श बागवानी पौधशाला द्वारा मिश्रित खेती का उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।